दोस्तों, भारत के घोटालेबाजों और फ्रॉडस्टर्स की अगर बात की जाए तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि उसमें ललित मोदी का नाम ना आए। इसका कारण ये है कि ललित मोदी ने भारत का बेहद प्रसिद्ध और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग IPL में घोटाला किया था, और चूंकि भारत में IPL को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए लोग इस घोटाले को कभी भूल नहीं सकते। हम सभी ये जानते हैं कि ललित मोदी IPL में स्कैम करने के बाद लंदन भाग गया था, जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन ललित मोदी ने ये स्कैम किस तरह किए थे और उसकी पोल कैसे खुली थी, इन सब को लेकर लोगों के मन में आज भी बहुत से सवाल मौजूद हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ललित मोदी और उनके स्कैम से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ललित मोदी आखिर कौन था और ये BCCI का वाइस प्रेसिडेंट कैसे बना। दोस्तों, ललित मोदी का जन्म साल 1963 में दिल्ली के एक अमीर व्यापारी परिवार में हुआ था। शिमला में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन अटेंडेंस शॉर्ट होने के चलते उसको उस कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद ललित मोदी ने अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी वो ड्रग्स की तस्करी के केस में पकड़ लिया गया, और इस जुर्म के लिए उसको अमेरिका के अंदर 2 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन कुछ समय सजा काटने के बाद खराब तबीयत के चलते उसको अमेरिका से वापस भारत भेज दिया गया। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ललित मोदी ने सिर्फ 12वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई की है। भारत वापस आने के बाद उसके पास फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड नाम की तंबाकू बनाने वाले कंपनी की ऑनरशिप ललित मोदी परिवार के ही पास है, और यही कंपनी उसका फैमिली बिजनेस है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया काफी पुरानी कंपनी है, और कैवेंडर्स, फॉर स्क्वायर, मार्लबोलो, रेड एंड व्हाइट और पान विलास इसी कंपनी के ब्रांड हैं। कुछ साल तक ललित मोदी इसी कंपनी में काम करता रहा, लेकिन उसको कोई अलग बिजनेस स्टार्ट करना था। उसने साल 1993 में मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स नाम की एक कंपनी शुरू की। इस कंपनी का काम विदेशी टेलीविजन चैनलों को भारत के अंदर ब्रॉडकास्ट करना था। शुरुआत में तो इस कंपनी को बहुत से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जिसमें वॉल्ट डिज्नी, फैशन टीवी और ESPN का नाम भी शामिल था। लेकिन इन चैनल्स ने ललित मोदी की कंपनी के साथ अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाने के बाद फिर आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इन चैनल्स का आरोप था कि ललित मोदी के हिसाब किताब करने का तरीका सही नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ललित मोदी की ये कंपनी भी बंद हो गई। दोस्तों, अब ललित मोदी को किसी दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाना था। जिस समय वो अमेरिका में पढ़ाई करने गया हुआ था, उस समय वो अमेरिका में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों की लीग्स और उनसे होने वाली कमाई को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ था। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है, इसलिए उसके मन में भारत के अंदर भी इसी प्रकार की एक क्रिकेट लीग शुरू करने का आइडिया आया। ललित मोदी ने उस समय BCCI के आगे इस तरह की एक लीग बनाने का प्रस्ताव रखा, और उसको यकीन था कि BCCI उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। उसने अपनी इस लीग के लिए एक नाम भी रजिस्टर करा लिया था, जिसका नाम इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड रखा गया था, और ये एक 50 ओवर के मैच वाला टूर्नामेंट था। लेकिन दोस्तों, ललित मोदी को धक्का तब लगा जब BCCI ने उसके इस प्रस्ताव को बिना कोई खास ध्यान दिए ही ठुकरा दिया। इससे ललित मोदी को एक चीज समझ आ गई कि अगर उसको भारत में क्रिकेट की कोई लीग शुरू करनी है तो सबसे पहले उसको BCCI में शामिल होना पड़ेगा, और उसने इसी को अपना लक्ष्य बना लिया। थोड़ी मेहनत और कुछ पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स के दम पर वह साल 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल हो गया। इसके बाद साल 2004 में वह पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए साल 2005 में वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और BCCI का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। BCCI में शामिल होने के बाद उसने एकदम से इस लीग को बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसको पहले बोर्ड के अन्य मेंबर्स का भरोसा जीतना होगा, तभी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। इसलिए ललित मोदी ने अपना पूरा फोकस BCCI का रेवेन्यू बढ़ाने में लगा दिया। ललित मोदी की इस मेहनत की वजह से BCCI का रेवेन्यू तेजी से बढ़ते हुए $1 बिलियन के मार्क को छू गया। दोस्तों, ये BCCI के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बोर्ड के सभी मेंबर्स ललित मोदी की इस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे, और वो जानता था कि अब उसके प्रस्ताव को ठुकराया नहीं जाएगा। इसी प्रकार ललित मोदी ने बोर्ड मेंबर्स के सामने क्रिकेट की एक लीग बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उसने बताया कि इससे BCCI का रेवेन्यू और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा।
बोर्ड के मेंबर्स ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भारत के अंदर आईपीएल की शुरुआत हो गई। दोस्तों, यहां तक के सफर को अगर देखा जाए तो कोई नहीं कह सकता कि ललित मोदी के मन में आईपीएल को लेकर कुछ गलत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। ललित मोदी ने आईपीएल में घोटाले की शुरुआत आईपीएल के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। उसके द्वारा की गई बहुत सी डील्स ऐसी थी जिसका मकसद खुद को फायदा पहुंचाना था। उदाहरण के लिए ललित मोदी ने ये पहले ही तय किया था कि राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स टीमों की फ्रेंचाइजी कम से कम कीमत पर बिकेंगी, क्योंकि इन टीमों में उसके परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों के शेयर थे। इसके अलावा ललित मोदी पर बीसीसीआई बोर्ड की इन्फॉर्मेशन इन टीम ऑनर्स तक पहुंचाने का भी आरोप लगा था। दोस्तों, साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हो गई और ये उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रहा। आईपीएल की इस कामयाबी के बाद ललित मोदी ने अगले ही साल चैंपियन लीग टी20 की शुरुआत कर दी। दोस्तों, अभी तक तो ललित मोदी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी दिक्कतें तब शुरू हुई जब आईपीएल के अंदर दो नई फ्रेंचाइजी शामिल करने का निर्णय लिया गया। उस समय के बोर्ड मेंबर्स ने ललित मोदी पर आरोप लगाया था कि मोदी हर हाल में ये दोनों फ्रेंचाइजी अडानी ग्रुप और वीडियोकॉन ग्रुप को बेचना चाहता था, लेकिन उसकी ये मंशा कामयाब नहीं हो पाई और आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी कोची टस्कर्स केरल रिंडेजवस स्पोर्ट्स वर्ल्ड द्वारा खरीद ली गई। बताया जाता है इस डील को करवाने में कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर भी शामिल थे। उस समय शशि थरूर पर आरोप लगाए गए थे कि इस फ्रेंचाइजी में उनका भी हिस्सा है, लेकिन ललित मोदी और थरूर दोनों ने ही इस बात से साफ इनकार कर दिया था। कोची टस्कर्स को खरीदने वाले रिंडेजवस स्पोर्ट्स वर्ल्ड ग्रुप में शशि थरूर की एक क्लोज फ्रेंड सुनंदा पुष्कर का भी हिस्सा था, जिन्होंने बाद में शशि थरूर से शादी कर ली थी। दोस्तों, रिंडेजवस स्पोर्ट्स वर्ल्ड ग्रुप और ललित मोदी के बीच समझौता हुआ था कि वह फ्रेंचाइजी के हिस्सेदारों की जानकारी पब्लिक को नहीं देंगे। 11 अप्रैल 2010 को कोची फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई के बीच ये एग्रीमेंट साइन किया गया और एग्रीमेंट साइन करने के तुरंत बाद ललित मोदी ने ट्वीट करके फ्रेंचाइजी के हिस्सेदारों का नाम पब्लिक को बता दिया। ललित मोदी ने शशि थरूर पर आरोप भी लगाया कि वह सुनंदा पुष्कर का इस्तेमाल करके खुद इस फ्रेंचाइजी के मालिक बन रहे थे। दोस्तों, इस आरोप की वजह से थरूर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, लेकिन दोस्तों ललित मोदी का ऐसा करना खुद उसी के लिए भारी पड़ गया। इस ट्वीट के बाद ललित मोदी पर भी आरोप लगने शुरू हो गए और वह बुरी तरह विवादों में घिर गया। इन विवादों के चलते साल 2010 के आईपीएल के तुरंत बाद उसको आईपीएल के चेयरमैन और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया। ललित मोदी के ऊपर बीसीसीआई द्वारा खुद के फायदे के लिए डील करना, अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना और सट्टेबाजी जैसे 22 गंभीर आरोप लगाए गए। ललित मोदी ने आईपीएल से कमाए अपने काले धन को व्हाइट करने के लिए मॉरिशस में कई छोटी छोटी कंपनियां बनाई थी। इसके अलावा उसने आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग को लेकर भी वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला किया था। इन सभी मामलों की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो ललित मोदी समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है और वह मौका पाकर तुरंत ही लंदन भाग गया। भारत में उसके खिलाफ कई अलग अलग प्रकार के वारंट जारी किए गए, लेकिन ललित मोदी एक बार भागने के बाद फिर कभी भारत लौटकर नहीं आया। बताया जाता है कि आज वो लंदन में बड़े आराम की जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह हर्षद मेहता की स्कैम स्टोरी को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप इसी तरह और भी फ्रॉडिस्टर्स की सच्चाइयां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके उनका नाम जरूर बताएं, हम भविष्य में जरूर उन पर वीडियो बनाएंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।